हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का इम्पॉसिबल क्रिएटिविटी चैनल पे। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आप सभी को इंट्रोड्यूस करने वाला हूं केके 2.1.5 फ्लाइट कंट्रोलर की सेल्फ लेवल सेटिंग से। सेल्फ लेवल सेटिंग का यूज हम अच्छी स्टेबिलिटी पाने के लिए करते हैं। यदि आपने भी ड्रोन बनाया है केके 2.1.5 फ्लाइट कंट्रोलर का और मैनुअली एक अच्छी स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है तो आप यहां पे सेल्फ लेवल सेटिंग का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो काफी नॉलेज होने वाली है तो वीडियो में तक बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सेल्फ लेवल सेटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें अपना आना है फ्लाइट कंट्रोलर की स्क्रीन पर और यहाँ पे हमें जाना है मोर सेटिंग पर। मोर सेटिंग पे आपको इंटर करते ही दिखेगा सेल्फ लेवल स्टिक या फिर ऑक्सिलरी। तो मैं आपको बता दूं, ऑक्सिलरी मींस ऑक्सिलरी चैनल का यूज करके मींस हमारे चैनल 5 का, जो हमारे जो चैनल 5 है ट्रांसमीटर का और जो केके 2.15 फ्लाइट कंट्रोलर में जो हम रिसीवर से कनेक्शन करते हैं उसका पहले हमें चैनल 5 का कनेक्शन कर देना है अपने रिसीवर के साथ। देन यहाँ पे हमें, मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने चैनल 5 सेट कर रखा है स्विच डी के अंदर, ठीक है ना। तो जैसे ही मैं स्विच डी को ऑन करता हूँ तो हमारा सेल्फ लेवल ऑन हो जाता है, जैसे ही मैं स्विच डी को ऑफ करता हूँ हमारा सेल्फ लेवल ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पे मैं सेल्फ लेवल को ऑन कर दिया हूँ और आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। ये गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सेल्फ लेवल ऑन है और यहाँ पे मैं जैसे ही स्टिक को ऑफ कर दूंगा यहाँ पे हमारा सेल्फ लेवल ऑफ हो जाएगा। तो ऑक्सिलरी में कुछ इस तरीके से हम ऑक्सिलरी स्विच का यूज करके सेल्फ लेवल को ऑन या ऑफ करते हैं। और हम यहाँ पे स्टिक की बात करने वाले हैं। यदि आप स्टिक का ऑप्शन रखते हैं तो आप इसे स्टिक के थ्रू सेल्फ लेवल को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। जैसे ही मैंने स्टिक को कुछ इस तरीके से मोड़ा, आप यहाँ पे देख सकते हैं आर्म आ गया और हमारा सेल्फ लेवल ऑन हो चुका है। मैं आपको डिसआर्म करके दिखाता हूँ हमारा सेल्फ लेवल ऑन है। ये देख सकते हैं आप, हमारा सेल्फ लेवल ऑन है। मैंने सेल्फ लेवल को ऑफ नहीं किया था, केवल डिसआर्म किया था। और यहाँ पे सेल्फ लेवल को ऑफ करने के लिए स्टिक को कुछ इस तरीके से पुश करेंगे तो हमारा सेल्फ लेवल भी ऑफ हो जाएगा। पर यदि आप मैनुअली उड़ा रहे हैं और मिड फ्लाइट में यदि आप सेल्फ लेवल को ऑन करते हैं तो आपके ड्रोन के क्रैश होने के चांसेस या एक तरफ भागने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। तो इसलिए यदि आप मैनुअली उड़ा रहे हैं तो इसे फ्लाइट एयर में इसे जो है सेल्फ लेवल पर स्विच ना करें और यहाँ पर लिंक लिंक रोल पिच को ऑन कर रखें। और यहाँ पर मैंने ये सेटिंग सेव कर रखी है अभी फ़िलहाल के लिए। और यहाँ पे जब हम अपने ड्रोन को टेस्ट करेंगे एक अच्छी स्टेबिलिटी के लिए तो हम ACC ट्रिम रोल और ACC ट्रिम पिच, इन सभी की वैल्यूज़ को थोड़ा आगे पीछे एडजस्ट करेंगे जिससे हमारा ड्रोन काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी हमें दे पाए। यहाँ पे आपको लिंक रोल पिच यस कर रखना है और यहाँ पे आप एक डायग्राम देख सकते हैं। तो इस डायग्राम में हमारे ड्रोन का फॉरवर्ड डायरेक्शन ये है और फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ हमारा पिच निगेटिव है। आप देख सकते हैं पिच को निगेटिव करेंगे तो क्या होगा, पिच को पॉजिटिव करेंगे तो किधर की तरफ होता है, रोल निगेटिव किधर की तरफ होता है, रोल पॉजिटिव किधर की तरफ होता है। फॉर एग्जांपल आप अपने ड्रोन को फ्लाई कर रहे हैं, बढ़िया स्टेबल फ्लाई कर रहा है तो आपको इन सभी वैल्यूज़ को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये सेल्फ लेवल्स की सेटिंग्स हैं गाइज, ठीक है ना। तो मान लीजिए आपका ड्रोन आगे की तरफ भाग रहा है, ठीक है ना, मतलब आपके ड्रोन की या फिर पीछे की तरफ भाग रहा है, किधर भी भाग सकता है। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका ड्रोन आगे की तरफ भाग रहा है या फिर पीछे की तरफ आ रहा है, तो जब आगे की तरफ भागेगा मीन्स हमारा पिच निगेटिव ज़्यादा है तो हमें ड्रोन को क्या करना है, वैल्यू को थोड़ा कम करना है, पिच निगेटिव की वैल्यू को माइनस पे ले जाना है ना कि और बढ़ा देना है। अब मान लीजिए हमारा ड्रोन जो है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोल पॉजिटिव की तरफ भाग रहा है तो हमें रोल पॉजिटिव की वैल्यू को घटाना है। इसका ये मतलब नहीं कि आप और पॉजिटिव करें, मतलब वैल्यू को बढ़ाएं, इसका ये मतलब है कि आप वैल्यू को डिक्रीज करें जिससे आपका ड्रोन उधर की तरफ ना भागे, वैल्यू को कम करें। फॉर एग्जांपल आपका पिच निगेटिव में ड्रोन आगे की तरफ भाग रहा है, ठीक है ना, स्टेबल नहीं हो पा रहा है जब आप स्टिक को छोड़ देते हैं, तो आपको करना क्या है कि पिच निगेटिव की वैल्यू को थोड़ा कम कर देना है। फॉर एग्जांपल अभी पिच निगेटिव की वैल्यू क्या है, 0 है, तो आपको वैल्यू को और ज़्यादा कम कर देना है, ठीक है ना। पिच निगेटिव में कम करने का मतलब असल पर में वैल्यू बढ़ाना है। पिच निगेटिव का कम करने का मतलब क्या, असल पर में वैल्यू बढ़ाना है। फॉर एग्जांपल वैल्यू 0 है तो 3, 4, 5, 10 आप जो भी करना चाहे कर सकते हैं। और यदि ड्रोन आपका पिच पॉजिटिव की तरफ भाग रहा है तो आपको वैल्यू को कम करना है। फॉर एग्जांपल वैल्यू 0 है तो आपको माइनस पे वैल्यू उसको ले जाना है, -5, -10, -20। और इसी तरीके से वॉइस वर्सा रोल पॉजिटिव और रोल निगेटिव के लिए भी वर्क करता है। तो ये सभी एडजस्टमेंट है, मैं आपको अभी प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ।
यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा सेल्फ लेवल ऑन है, ठीक है ना गाइस। अब मैं अपने ड्रोन को फ्लाई कर रहा हूँ तो देख सकते हैं आप थोड़ा ये मुड़ सा जा रहा है और एक एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो रोल पॉजिटिव है उधर की तरफ भाग रहा है गाइस, ठीक है ना। तो अब मेरे को करना क्या, मेरा ड्रोन रोल पॉजिटिव की तरफ भाग रहा है तो मतलब मेरे को वैल्यू को थोड़ा कम कर देना है। जीरो अभी मैंने वैल्यू रखी थी तो मेरे को जीरो से थोड़ा कम वैल्यू करनी है और हमारा ड्रोन हल्का हल्का जो है पिच पॉजिटिव की तरफ भी भाग रहा है, तो इसलिए हमें थोड़ी पिच पॉजिटिव की भी वैल्यूज को कम कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इन वैल्यूज को थोड़ा चेंज कर रहा हूं। तो यहाँ पे मैंने ट्रिम रोल को जो है -25 कर दिया है और ट्रिम पिच की वैल्यू मेरे को थोड़ा कम करनी थी क्योंकि रोल पॉजिटिव की तरफ और पिच पॉजिटिव की तरफ हमारा ड्रोन भाग रहा था, इसलिए मैंने वैल्यूज को माइनस पे लाया। यदि आपका निगेटिव की तरफ है तो आपको वैल्यूज को पॉजिटिव पे ले जाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ड्रोन कुछ कुछ अच्छी स्टेबल फ्लाइट दे पा रहा है, मीन्स इतनी भी बुरी फ्लाइट तो नहीं दे रहा। आप देख सकते हैं मैं एक रूफ के अंदर उड़ा रहा हूँ फिर भी मैं इसे काफ़ी इजीली कंट्रोल कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों सेल्फ लेवल सेटिंग काफ़ी अच्छी सेटिंग है यदि आप के 2.1.5 फ्लाइट कंट्रोलर को या के या किसी भी फ्लाइट कंट्रोलर को यूज़ करते हैं, के 2.1 या फिर के 2.1.5। तो दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।